चलिए तो शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके वेरी गुड गुड मॉर्निंग सर। आप सभी का दिन मंगलमय हो और सारे सवालों के आप जवाब बिल्कुल सही सही दें। देखिए लापी, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। जिस भी बच्चे का आ जाएगा अपना आंसर पुटअप करेंगे इनबॉक्स में। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री और इस तरीके से 5-5 डिग्री में बढ़ाता जा रहा। और ये हम ले रहे हैं अप टू इट इज साइन 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। जिनको आंसर आता है बोलेंगे नहीं, केवल अपना इनबॉक्स में डालेंगे। उसके बाद मैं आपसे सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आती है? आपके ऑप्शन हैं, ये 1 आएगा, ये 9 आएगा, ये 9/2 आएगा, या फिर ये 9/3. तो यू हैव टू आंसर इट। You have 2 minutes only and your time starts now. माइक म्यूट कर लें जिन बच्चों का ऑन है। और आज आप इसमें एकदम नया कंसेप्ट सीखेंगे। कुछ बहुत पुराने बच्चे हैं वो बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं, ऑलरेडी उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। तो मैं केवल ये भी चेक करना चाह रहा हूँ किन किन बच्चों को पुरानी बातें लर्न है, ठीक है। और तुक्का बिल्कुल भी मत मारिएगा, पहले सॉल्व करें। स्नेहा सिंह चेक करो बेटा आप अपना आंसर। फैज खान आप भी बेटा चेक करो अपना आंसर। जीविदा साकरे यू आर करेक्ट, दिस इज करेक्ट आंसर जीविदा। अभिषेक कड़ू सही है, आयुषी पाटिल सही है, वेरी गुड आयुषी। अनुराग खरे करेक्ट, वेरी गुड अनुराग। हर राइट है, हाँ तुक्का लगा दिए क्या अनुराग? नहीं सर, वो मैं 9/2 लिख रहा था अलग। हाँ ठीक है अनुराग, उसको करेक्ट करके फिर से सेंड करो। हर शंबाते करेक्ट, जो वैल्यू मत लिखा करो, ऑप्शन नंबर लिख दिया करो ए बी सी डी, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो। निगांत मिश्रा यू हैव टू चेक योर आंसर, दिस इज रॉन्ग। साहिल साहू चेक करिए गलत जवाब। वंशिका करेक्ट है, वेरी गुड वंशिका। साहिल साहू दूसरा आंसर किया वो भी गलत है। आर्यन त्रिपुरे चेक करिए, अर्थव चेक करिए। हर्ष करेक्ट है, हर्ष हर्ष एनडीए मानकर को करेक्ट।
स्नेहा सिंह चेक करिए बेटा, चलिए आपका समय हो गया खत्म और आप देखिए आप इसका आंसर जिन बच्चों का नहीं आया है, ध्यान से समझिए आप सॉल्यूशन। फर्स्ट थिंग तो ये बात आप बिल्कुल नोट में याद रखिए सभी लोग सभी बच्चे कि यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री है, वेगांत मिश्रा भी करेक्ट है, इफ सम ऑफ एनी टू एंगल्स, जैसे मैं अल्फा और बीटा का सम 90 डिग्री ले लू, इफ सम ऑफ एनी टू एंगल इज 90 डिग्री, मतलब एंगल अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो ये याद रखें, ये पहली बात है। Then एक एंगल का साइन दूसरे एंगल के कॉस के बराबर, इसको याद रखें। इफ सम ऑफ एनी टू एंगल इज 90 डिग्री, मतलब कोई भी दो एंगल को आप ऐड करें और उनका सम 90 डिग्री आ रहा है, मतलब इफ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो हमेशा एक एंगल का साइन दूसरे एंगल के कॉस के बराबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं साइन 70 डिग्री लेके चलूं, तो मैं साइन 70 डिग्री को कॉस 20 डिग्री लिख सकता हूं, और मैं रीजन क्या दूंगा कि 7 और 20 का जो सम है वो 90 है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जब भी कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो एक एंगल का साइन दूसरे एंगल के कॉस के बराबर। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन, इस कंसेप्ट पर बेस ये क्वेश्चन था। और दूसरा, ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो सम है वो 1 है। ये दोनों एंगल यदि सेम डले हैं तो इनके साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का सम हमेशा 1 है। दिस इज फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये जो पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन है ये इन दो बातों पर बेस्ड। तो अब आप देख रहे हैं कि आपको जो दिया गया है क्वेश्चन, उसमें 5 डिग्री है, फिर 10 डिग्री है, फिर 15 डिग्री है, फिर 20, 25 अप टू 90 तक ऐसा आ रहा है, 5-5 डिग्री का डिफरेंस है। ईशान कुरैशी करेक्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने भी केवल यही करना था, सॉल्यूशन अब आप देखें, ये हिंट दिया था मैंने आपको। नाउ द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे एंगल्स का पेयर बना रहा हूं, साइन स्क्वायर 5 डिग्री के साथ मैं साइन स्क्वायर 85 ले रहा हूं, मतलब ऐसे दो एंगल्स आपने साथ में ले लेने जिनका सम 90 बनता है। फिर मैं साइन स्क्वायर 10 डिग्री के साथ साइन स्क्वायर 80 डिग्री वाला टर्म, क्योंकि 10 प्लस 80 90 हो जाए। फिर साइन स्क्वायर 15 डिग्री के साथ साइन स्क्वायर 75 डिग्री, नेक्स्ट साइन स्क्वायर 20 डिग्री के साथ साइन स्क्वायर 70 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर 65। हमेशा ऐसे दो पेयर बनाइए और ये कभी भी आगे के लिए आप याद रखें। फिर साइन स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री,
साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, ऐसे दो दो एंगल लेते जाइए जिनका सम 90 आता है, साइन स्क्वायर पूरे कवर हो जाएंगे। आप देखिए साइन स्क्वायर 50 डिग्री। और अब आपके पास दो बच्चे जो किसी के साथ पेयर नहीं बनाते, इन सारों में आप देखोगे 5 से 90 तक साइन स्क्वायर 45 डिग्री किसी के साथ पेयर नहीं हुआ और साइन स्क्वायर 90 डिग्री किसी के साथ। तो इस तरीके से आप देखें 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 तक सारे एंगल्स आपने देख लिए। और अब आप देख रहे हो कि हाँ बोलो साइन 45 और 45 क्यों नहीं बनाते फिर? 45 तो एक ही बार आएगा ना, 45 दो बार थोड़ी आएंगे। जैसे मैं 5 का मल्टीपल लिखूंगा या 5 का टेबल लिखते हो तो 45 एक ही बार आएगा ना, दो बार थोड़ी आएगा। सारे एंगल एक एक बार दे रखे हैं आपको, चलिए ठीक। सो नाउ अब आपने ये रिजल्ट पढ़ा है कि यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो साइन 85 है इसको आप कॉस स्क्वायर 5 लिख सकते हो, क्योंकि 85 और 5 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो साइन 85 कॉस 5 के बराबर हो, तो आप इसको कॉस स्क्वायर 5 लिखोगे। तो अब अपना जो क्वेश्चन है वो यू बन जाएगा। तो देयरफॉर इसका अगला स्टेप है कि ये जो टर्म है आपका, सबसे पहला साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 को अपन ने कॉस स्क्वायर 5 लिख दी। फिर ऐसे ही अगले वाले में ये साइन स्क्वायर 10 एस सच है और साइन 80 को आप कॉस 10 लिख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिमिलरली साइन स्क्वायर 15 डिग्री अपनी जगह पर एस सच है, जो आपका साइन 75 है वो अब आपका कॉस 15 बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। साइन 20 अपनी जगह पर एस सच है और जो साइन 70 है उसको आप कॉस 20 लिखिए। और आप देखोगे ऐसे जब पेयरिंग करते जाओगे साइन स्क्वायर 25 के साथ कॉस स्क्वायर 25 बन जाएगा, फिर साइन स्क्वायर 30 के साथ कॉस स्क्वायर 30 बन जाएगा, साइन स्क्वायर 35 के साथ कॉस स्क्वायर 35, सबको आप सेम एंगल में कन्वर्ट कर दीजिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट। और साइन स्क्वायर 40 डिग्री ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 40, और उसके बाद साइन 45 और साइन 90 ये सच। और अब आप देखो फाइनल आंसर अपना, अपन जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हर ब्रैकेट की वैल्यू 1 आएंगी, तो ऐसा 1 8 बार आएगा, ये 1 + 1 + 1 टोटल 8 ब्रैकेट्स हैं, तो ये 8 टाइम्स आएगा 1, ये 8 बार आएंगे, 8 ब्रैकेट हैं 8 टाइम्स। उसके बाद प्लस साइन 45 का जो वैल्यू है वो 1/√2 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1। तो अब आप देखेंगे ये 9 + 1/2 बनाएगा, 9 + 1/2 which can be written 19/2, so your fourth option is correct। ठीक है, तो अभी किसी को नहीं समझा हो तो पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन में अपन ने एक कंसेप्ट ये सीखा कि सम ऑफ टू एंगल्स यदि 90 डिग्री है, मतलब इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको आप हमेशा याद रखें, मतलब आप इसको ऐसा याद रख सकते हो, आप में से मैं कोई भी दो बच्चे ले लूं, उन बच्चों का वेटों का जो सम है
जो वजन का सम है उनके जो वेट्स का सम आता है, मान लो वो 90 किलोग्राम आता है, 90 केजी आता है, ठीक है, तो किसी एक बच्चे का साइन दूसरे बच्चे के कॉस के बराबर होगा। इसको आप हमेशा याद रखिए, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और बहुत जगहों पर काम में आएगा, ठीक है। और ऐसा केवल साइन कॉस के साथ नहीं होता, ये 90 डिग्री पर साइन कॉस में कॉस साइन में, टैन कॉट में कॉट टैन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में कन्वर्ट होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जब अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल पढ़े, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसके सॉल्यूशन में यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है अभी भी तो पूछिए। साहिल समझ गया? साहिल साहू? यस सर। ओके, साहिल दो बार आंसर किए हैं, दोनों बार गलत हो गए। स्टेप ऐड नहीं कर सकते क्या? फर्स्ट के बाद सेकंड वाली स्टेप, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन। बोलो आप क्या बोल रही हो सर। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप है उसके बाद अपन ये स्टेप नहीं डाल सकते, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 डिग्री। वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन okay. अपन ने वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट एक कंसेप्ट बता दिया कि सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। बात वही है, दो एंगल का सम 90 डिग्री है, लिख के साइन को आप दूसरे का कॉस लिख सकते हैं, वो स्टेप भी डाल सकते हैं। और वैसे भी तो ये और भी शॉर्ट में हो जाता है, लेकिन आपको पूरा समझ सके बाकी बच्चों को, इसलिए पूरा डिटेल में मैंने सॉल्यूशन बताया, वैसा भी लिख सकते, ठीक है जीविता। यस सर। स्नेहा सिंह लास्ट आंसर था, करेक्ट है स्नेहा सिंह। स्नेहा समझ गया आपको? यस सर। सर आप एक ऐसा क्वेश्चन और दे सकते हैं? बिल्कुल, मैं एक नहीं ऐसे 10 क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन आप सभी से ये एक्सपेक्टेड है सारे बच्चे आंसर करेंगे और सोच समझ के आंसर करें, तुक्काबाजी बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होगा। चलिए खैर, तो नाउ ये मानते हुए कि आपको कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं ये जो कल अपन ने, कल मतलब संडे को जो आपके फर्स्ट और सेकंड बैच का मैंने टेस्ट लिया था, वो टेस्ट पेपर में हमने एक क्वेश्चन डाला था, तो मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये टेस्ट पेपर का भी क्वेश्चन है और साथ में जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी बताया आज, उस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन भी है, देखें आप में से कितने बच्चे पकड़ पाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 36 डिग्री अपॉन cot 54 डिग्री प्लस cot 20 डिग्री अपॉन tan 70 डिग्री बराबर। सर ये ट्राई कर चुका हूँ आंसर में, एक क्वेश्चन। अच्छी बात है, जो पेपर में आंसर आपने करना है बिल्कुल चुप बैठ के, ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चों को अपन ट्राई करने देंगे, अपन को आता है तो। सर इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन हुआ है? हाँ मालूम है, हाँ मैंने सेंड किया चैट पर, मैंने भी आंसर सेट। ठीक ठीक ठीक, तो साहिल साहू अपना आंसर चेक करें, हर्ष अंबाते करेक्ट है, मृगांक मिश्रा करेक्ट है, साहिल साहू चेक करें, वंशिका करेक्ट। सर मैंने भी सेंड किया ना। जीशान कुरैशी करेक्ट है। सर मैंने सेंड किया, वो गलती से चला गया था। साहिल साहू करेक्ट है। स्नेहा सिंह करेक्ट है। जीविता करेक्ट। अनुराग करेक्ट, सही जवाब, वेरी गुड अनुराग। आयुषी पाटिल सही है।
साहिल करेक्ट है, साहिल दानव करेक्ट है। अनुराग माइक म्यूट करो। बाकी बच्चों का आंसर नहीं आ रहा क्या? जल्दी करें आंसर। अभिषेक कड़ू करेक्ट है। सर सेंड किया ना। हर्ष करेक्ट है, साहिल करेक्ट है, अभिषेक कड़ू करेक्ट। रिया आंसर करो, रिया बघेल। जिज्ञासा आंसर करो। सुदीप पन्ना से बेटा चेक करो, गलत है स्थिति ये। यश आंसर करो, अर्थव आंसर करो, मृगांक आंसर करो, यामिनी पांडे, स्नेहा सिंह, पैज, वंशिका। मैंने आंसर कर दिया है। ओके ठीक है स्नेहा, बाकी बच्चे आंसर करें जिनका नाम लिया जल्दी जल्दी। रिया बघेल आंसर करो, रिया चेक करो आंसर बेटा। लॉन्ग है। यस सर। चलिए देख लीजिए अभी। अर्थव आंसर चेक करिए, गलत है ये। देखिए बड़ा पांचक तो सवाल था, आपको अभी बताया कि दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री है, ये देखो 36 और 54 बराबर होते हैं, ए सॉरी 36 और 54 का सम 90 डिग्री है, मतलब दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इनका टैन और कॉट बिल्कुल बराबर हो, मतलब सॉल्यूशन में जब आप लिखेंगे तो केवल इतना लिखना है कि टैन 36 आपका एस सच है, टैन 36 एच सच है, और ये जो कॉट 54 लिखा है, इस कॉट 54 को आप कॉट 90 माइनस 36 लिख। सिमिलरली cot 20 और नीचे जो tan 70 लिखा है, 70 को आप 90 माइनस 20 लिख। या फिर सीधा सीधा कंसेप्ट ये था भाई, tan 36 अब न्यूमरेटर में एस सच रहेगा और डिनोमिनेटर में cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो ये tan 36 बन जाएगा और प्लस ये cot 20 एस सच है और tan 90 माइनस थीटा अगेन cot थीटा होता है, अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी है। अब ये सेम होते हैं तो कैंसिल होके 1 बना देंगे, ये भी 1 बना देंगे, तो 1 प्लस 1 आंसर आएगा आपका, 2 इज दी करेक्ट आंसर। और फैज खान लास्ट आंसर करे हैं, ठीक है। अभी भी किसी को नहीं समझाओ तो पूछ ले। रिया समझ गया तुमको? Yes, रिया बघेल। यस सर। अर्थव, अर्थव तुमको समझा? यस सर। ओके चलिए।
तो देखिए नेक्स्ट इसका आंसर करें अभी सभी जने बिल्कुल ऐसे ही इसी टाइप की दे रहा हूं बात रिक्वायर्ड है क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 2 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री एंड सो ऑन ये सीरीज आपका जा रहा है कॉस 180 डिग्री इसका वैल्यू कितना आएगा आंसर करें आपके ऑप्शंस हैं 0 1 माइनस 1 और 2 ये 0 आएगा 1 देता है माइनस 1 देगा या फिर 2 विच वन इज करेक्ट cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री फिर ऐसे ही अप टू 180 डिग्री तक जाएगा मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू 180 डिग्री तक इन सब पे मैंने cos लगा के उसका सम आप से करिए आंसर कितना आएगा दीवीदा आंसर चेक करें और इतनी जल्दी आंसर ना करें ठीक है दीवीदा आवाज आ रहा है यस आ रहा है आवाज पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लो समझ लो करो फिर आंसर करो क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्लस 4 और माइनस 1 है गलत करोगे तो एक छीन भी दिया जाएगा साहिल साहू चेक करिए गलत जवाब साहिल तो एकदम लेटा लेटा पलंग पे तुक्का लगाता रहता है पता नहीं कौन सी गलत से सॉल्व करते हैं हर आंसर गलत देता जीविता साकरे अभी यू आर करेक्ट अभिषेक कड़ू सही जवाब मृगांक मिश्रा सही जवाब वेरी गुड फैज खान सही है अनुराग खरे चेक करिए बेटा आप अपना अनुराग खरे रॉन्ग है फैज खान सही है ईशान कुरैशी चेक करिए हेलो सर अभी राइट है कौन बोल रहा है अनुराग सर अनुराग करेक्ट है रिया चेक करो आप अपना आंसर स्नेहा सिंह चेक करिए हर्ष करेक्ट है हर्ष एनडीए मानतापुर करेक्ट है हर्ष अंबाते चेक करो ईशान कुरैशी दूसरी बार आंसर किया और ये भी गलत है ईशान
ईशान कुरैशी तीसरी बार आंसर किया वो भी गलत है। ईशान गलत आंसर नहीं बताना है, सही वाला बताना है। तीनों आंसर तीन बार तीनों गलत था, चौथा बचा है वो भी डाल दो। हर शनिवार से चेक करिए गलत है। वंशिका चेक करो गलत जवाब। हाँ दिशान अभी सही है, वेरी गुड दिशान, बधाई हो। दिशान को ऐसी सही जवाब दे दिया। हर सोमवार से चेक करिए गलत जवाब। सर स्क्रीन में दिख रही है मुझे। कौन बोल रहा है? सर मैं फैज। फैज एक बार री एंटर करो बेटा, नेट इशू हो सकता है, कनेक्शन प्रॉब्लम, एक बार आप री एंटर करो। यस सर। तो मैंने आंसर भेजा है वो करेक्ट है। स्नेहा सिंह करेक्ट है, वेरी गुड स्नेहा। चलिए तो अब बहुत से बच्चों का आंसर नहीं भी आया तो देख लें आप लोग सॉल्यूशन। इसमें भी एक आपको नया, एक तो अपन ने आज ये सीखा कि दो एंगल का सम 90 डिग्री है, मतलब इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री तो एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होता है। हर सोमवार से अभी करेक्ट है, एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होता है, टेन कॉट के बराबर होता है, कोसेक सेक के बराबर होता है। यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री है मतलब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तो साइन एक का दूसरे के कॉस के बराबर वैल्यू देगा, एक का टेन दूसरे के कॉट के बराबर होगा और कोसेक सेक के बराबर। एक बात हमने ये सीखी और अब दूसरा आप यहाँ पर ये सीख लें। नोट में आपको पहले मैं बता देता हूं, यदि एंगल सप्लीमेंट्री है मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री है, इफ दो एंगल हमने लिए हैं थीटा और फाई, इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री मतलब एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल, देन इनके साइन बराबर होते हैं, मतलब एक का साइन दूसरे के साइन के बराबर होगा। एक बात, और दूसरी बात इनके कॉस भी बराबर होते हैं बट साइन में अपोजिट होते हैं, और तीसरी बात इनका टैन भी न्यूमेरिकली बराबर होता है बट साइन में अपोजिट। ये बात को आप याद, और बड़े सिंपल से रीजन है कि आपने पढ़ा है कि साइन थीटा जो आपने लिखा इसको आप 180 माइनस फाई लिख सकते हो क्योंकि थीटा और फाई का सम आपको 180 दिया, तो मैं थीटा की जगह पर 180 माइनस फाइव लिखता हूं। और अपन जानते हैं 180 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल टेबल याद करो आप, वो टेबल में आपने लिखा है 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट होगा और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है
और चूंकि यहाँ पर 180 है तो साइन का साइन ही आएगा, तो इसलिए ये साइन फाइ के बराबर। बिल्कुल सेम रीजन है कि जब आप कॉस थीटा लोगे तो कॉस थीटा को आप कितना लिखोगे, कॉस 180 माइनस फाइव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए ये माइनस कॉस फाइव के बराबर। और बिल्कुल सेम रीजन है टेन के पीछे, टेन भी बिल्कुल कॉस जैसा रिजल्ट देगा जब आप टेन थीटा को लेके चलोगे। सप्लीमेंट्री एंगल से आप थीटा को 180 माइनस फाइव लिख सकते हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन भी नेगेटिव होता है तो ये भी माइनस का है। तो चूंकि 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट बन जाता है तो इसलिए आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री है, मतलब इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल, तो उनके साइन तो बराबर होते हैं बट कॉस और टेन न्यूमेरिकली बराबर होते हैं, साइन में अपोजिट होते हैं। कहने का मतलब है जैसे मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अपन साइन 20 लेके चलें, तो आप साइन 20 डिग्री को साइन 160 डिग्री लिख सकते हैं। बट जब आप इसी का कॉस लेंगे तो कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 160 डिग्री होगा। और जब आप इसका टेन लेके चलेंगे तो टेन 20 डिग्री भी माइनस ऑफ टेन 160 के बराबर। मतलब साइन में दोनों बातें बिल्कुल बराबर होती हैं बट कॉस और टेन में न्यूमेरिकली बराबर होंगे बट साइन में एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव। ये कब होता है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझा होगा। एंड नाउ द सॉल्यूशन ऑफ अबव क्वेश्चन। आप ऊपर वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन की यदि आप बात करें तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे दो दो एंगल का पेयर बनाता हूं जिनका सम 180 डिग्री आ रहा है। तो आपने ऐसी पेयरिंग करनी है, तो इसलिए मैंने 1 डिग्री के साथ 179 डिग्री लिया। फिर ऐसे ही जब आप 2 डिग्री लेंगे तो उसके साथ अपन 178 डिग्री ले लेंगे। आगे से एक एक लेते जाइए, पीछे से एक एक, फिर ऐसे ऐसे जब आप जाओगे तो आप देखोगे ये सारे पेयर एक दूसरे से कन्वर्ट हो जाएंगे। और कहां तक ये कन्वर्ट होता है, 89 के साथ आपका 91 डिग्री आएगा। cos 89 डिग्री प्लस cos 91 डिग्री, इस तरीके से ये सारे पेयरिंग 1 के साथ 179, 2 के साथ 178, फिर 3 के साथ 177, फिर 4 के साथ 176 और ऐसा ऐसा 89 के साथ 91 तक। और जो पेयर नहीं बनाएंगे वो अब मैं लिख देता हूँ, वो दो एंगल आपके बचेंगे। एक आपका बचेगा cos 90 डिग्री और एक आपका बचेगा cos 180। तो फाइनली अब आप देखिए, अब आप ये सब जानते हैं वैल्यू। cos 179 को आप माइनस cos 1 लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों का सम जीरो होता है। तो ये सब जीरो जीरो जीरो, cos 90 तक जीरो हो जाएंगे। ये cos 90 का वैल्यू है और cos 180 का वैल्यू माइनस 1 होता है और इसलिए फाइनल आंसर आपका माइनस 1। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। जिन जिन बच्चों का माइनस 1 है वो सब सही है।
ये आपने वैल्यूज लर्न करनी है. cos 180 को अपन यदि याद नहीं है ठीक है तो आप ऐसे लिख सकते हो. अलाइड एंगल से पढ़ चुके ना बेटा अपन. cos 180 डिग्री है उसको अपन क्या लिख सकते हैं. 180 को अपन ने लिख दिया 90 + 9 ठीक है. अब 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है. सेकंड. सेकंड में cos होता है नेगेटिव. अब चूंकि यहाँ पर 90 डिग्री है cos का क्या बन जाएगा sin. और आप जानते हो sin 90 कितना होता है. समझ गया अभी. यस सर समझ गया. cos 180 माइनस 1. तो ये है दिस इज द सॉल्यूशन. इतना ही है बस ये सॉल्यूशन. अब आपको इतनी बात में कोई डाउट है किसी को. नो सर. हर्ष समझ गया तुमको. हर्ष अम्बारते. यस सर. रिया. यस सर. कोई डाउट. नो सर. रिया कोई डाउट है. नो सर.